स्वागत है आप सभी का कुंदन सिंह घायल ब्लॉग्स चैनल में। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुंदन सिंह घायल ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आप लोग को बताने जा रहा हूं, वो चीज़ें आप लोग के बीच दिखाने जा रहा हूं कि मैं कैसे संघर्ष कर रहा हूं आज भी। जी हाँ दोस्त, है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम की वजह से आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी घर मिट्टी के होते हैं बारिश की वजह से गिर जाते हैं, और अचानक से अगर उस घर में अगर कोई पर्सन सोया रहता है, चाहे लड़का लड़की या फिर बच्चा दादा दादी जो भी हो, परिवार का कोई भी फैमिली हो, अगर सोया रहता है अचानक उस पर गिर जाए तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। और उस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि मैं किस कंडीशन में यहाँ पर अपने घर पे रह रहा हूँ, चूँकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे साथ भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों, अभी आप लोग को बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आज कुछ दिन पहले बारिश की वजह से मेरा जो मकान है गिर गया था, उसका पिछले हिस्सा, इसकी वजह से मुझे काफ़ी कठिनाइयों का संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अभी प्रेजेंट में कैसे किस व्यवस्था की तरह रह रहा हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि सुबह से मैंने काफ़ी मेहनत किया और स्ट्रगल किया, और जो गिरा हुआ हिस्सा था उसको मैंने वहाँ पर पूरा फ्रेश करके, मिट्टी को हटाकर, कपड़ा को हटाकर और जो बांस का फरनाटी होता है उसको हटा करके और काफ़ी फ्रेश कर दिया है। और वहाँ पर रहने के लिए मैंने एक कराकट ऊपर से बांस के सहारे, फरनाठी के सहारे डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया है, काफ़ी पसीना बहाया, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, वहाँ की प्रक्रिया किस तरीके से मैंने किया है वो दिखा देते हैं। मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और मेहनत किया है और अपने रहने की व्यवस्था के लिए, चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिट्टी के घर की वजह से और जो आगे का हिस्सा भी है गिर सकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, तो लेट्स गो प्ले, आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये पिछला हिस्सा है जो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर अब मैं आप लोग को कंटिन्यू दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग अब आ चुके हैं। आज इस ब्लॉग्स चैनल में आप लोग बताने जा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि ये व्यवस्था नहीं बना हुआ था, जो कि वहाँ ईंट वगैरह गिर गया है, और उसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फ्रेश कर दिया है और रहने के लिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्प्रेरी रहने के लिए मैंने ऊपर ये कराकट डाल करके आप देख सकते हैं व्यवस्था किया है। और चूँकि इससे हम क्या है कि बारिश से बच सकते हैं, उसके साथ साथ मिट्टी का जो दीवार है उसके गिरने से बच सकते हैं, और रात्रि में जो मेरा सोने का जो प्लान है यहीं पर है और यहीं से मैं वीडियो शूट करूँगा, और आप लोग के बीच वीडियो शूट के ज़रिए आप लोग को ब्लॉग चैनल और टेक्निकल चैनल और तमाम एंटरटेनमेंट के चैनल वो चीज़ें दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पर चौकी नहीं हट पाएगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर बेंच डाल दिया है, और बेंच पर ही बेड लगा करके यहाँ पर मैं सोने की प्रक्रिया जारी रखूँगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने टूल वगैरह भी रख दिया है, और चेयर चूँकि व्यवस्था नहीं था और वहाँ पर घर में गिरने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि मैं आगे का हिस्सा जो है ये मिट्टी का है और पूरी तरह से आपको, और आज मैंने देख सकते हैं कि मैं कपड़ा भी, क्लॉथ भी फ्रेश किया हूँ, साफ़ किया हूँ, और वहाँ जिस तरीका से आप कंडीशन बना हुआ है घर का आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर जो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा सा यहाँ पर आगे चलकर रहने की व्यवस्था कर लूँ। फाइनली अब वीडियो के एंड तक आप लोगों को मैं अपने होम का जो पूरी व्यवस्था है उस तरीके से आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये जो मेरा मिट्टी का हिस्सा है आगे की ओर है, और यहाँ जो शौचालय था जिसको मैंने तोड़ दिया है, और फिर उसके बाद ईंट से यहाँ पर रखा हुआ है, चूँकि आगे अभी बालू जो है काफ़ी महंगा मिल रहा है और मिल नहीं पा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीका से मैं इस ब्लॉग चैनल में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और अभी जो मैंने काम किया है सुबह से लगा हुआ था, वो आप देख रहे हैं, वहाँ रहने के लिए मैंने टेम्प्रेरी व्यवस्था कर दिया है, और जैसे ही हालात तो उसमें अच्छा होगा उसके बाद मैं यहाँ पर रहने के लिए कुछ व्यवस्था करूँगा।
और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी थी, चूँकि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग्स चैनल आप लोग को कैसा लगा और आज का जो मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। All right, come on.